रेडिट के r/paranormalencounter नाम के सब रेडिट पर एक काफ़ी ज़्यादा डरावना वीडियो अपलोड किया गया है। वीडियो क्लिप घर में लगे सीसीटीवी कैमरा की छोटी सी क्लिप है जो किसी को भी डराने के लिए काफ़ी है, तो एक बार आप ही देखिए। ध्यान दे तो दिखता है कि एक शैडो फिगर काफ़ी तेज़ी से सीढ़ियों के पास से गुजरती है। उसे देख के लगता है मानो वो कोई छोटी बच्ची है, और जब वो गुजरती है तो हेल्प मांगते हुए भी बच्ची की आवाज़ भी आती है। यूज़र ने वीडियो के साथ लिखा कि इस वीडियो को उनके हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड ने उन्हें भेजा था। दरअसल जिस घर में वो रहते थे वही की ये सीसीटीवी फुटेज है। उनके साथ भी उस घर में अजीब एक्टिविटीज़ घटती थी, जिसके बाद उन्होंने वो घर छोड़ दिया था। उसके बाद जब नए ओनर उस घर में रहने आए तब उनके साथ भी अजीब एक्टिविटीज़ घटने लगी, और एक बार जब वो घर पर नहीं थे तो ये फुटेज उनके कैमरा ने रिकॉर्ड की जो उन्होंने यूज़र के हस्बैंड की बेस्ट फ्रेंड को भेजी थी, ये पूछते हुए कि क्या उनके साथ भी कुछ ऐसा उस घर में घट चुका है। अब करंट होम ओनर्स ने भी उस घर को छोड़ दिया है और घर फिर से मार्केट में है। तो इस वीडियो को देख के आपको क्या लगता है, क्या उस घर में किसी बच्ची की स्पिरिट होगी या फिर वीडियो को एक्सप्लेन किया जा सकता है? आपकी राय कमेंट करना। एक मॉल में लगी सीसीटीवी कैमरा में कुछ डरावना रिकॉर्ड हुआ। रेडिट के पैरानॉर्मल इनकाउंटर्स नाम के सब रेडिट पर हाल ही में एक वीडियो अपलोड किया गया है। वीडियो एक मॉल के किसी टॉय स्टोर में लगे सीसीटीवी कैमरा की फुटेज है। तो वीडियो में आखिर ऐसा क्या घटा है, आप ही देखिए। तो आपको क्या लगता है, क्या उस टॉय स्टोर में किसी बच्चे की स्पिरिट होगी या फिर बस किसी खिलौने की बैटरी का प्रॉब्लम होगा? आपकी राय कमेंट करना। एक महिला शाम को नॉर्मली उनके लिविंग रूम में बैठी हुई थी, तभी कुछ डरावना घटा। दरअसल r/ghost सबरेडिट पर एक महीने पहले एक यूज़र ने उनके साथ घटा डरावना किस्सा शेयर किया जो उनके सीसीटीवी कैमरा में भी रिकॉर्ड हो गया था। यूज़र ने बताया कि वो उनका काम कर रही थी, तभी उन्हें किसी ने हाय कह के आवाज़ दी। एक बार आप ही देखिए। अचानक पीछे से आवाज़ आती है। फुटेज से साफ है कि यूज़र थोड़ी चौंक कर पीछे देखती है, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि आवाज़ किसने दी है, जिसके बाद वो अपने काम में वापस लग जाती है। अब अजीब बात यह है कि उन्होंने लिखा था
जिस वक्त उनके साथ ये इंसिडेंट घटा तब उनके डॉगी और उनकी रूममेट दोनों उनके कमरे में सो रहे थे और उन दोनों को इस घटना के बारे में पता भी नहीं था। बाकी इन तीनों के अलावा उस वक्त घर में कोई और मौजूद भी नहीं था, जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब और चौंकाने वाला है। तो आपको क्या लगता है आखिर उनके साथ वहाँ क्या घटा होगा? आपकी राय कमेंट करना। पिछले वीडियो में भी कुछ यूजर्स ने उनके साथ घटे डरावने किस्से कमेंट्स में शेयर किए थे, जैसे शहजाद ने लिखा कि जब वो 18 साल के थे तब एक बार उनके फैमिली के साथ ट्रिप पर जा रहे थे। रोड से ट्रैवल करते वक्त एक सुनसान जगह पर एक सफ़ेद साड़ी पहनी महिला ने थोड़ी दूर से इनको गाड़ी रोकने के लिए इशारा किया। शायद उसे लिफ्ट चाहिए थी। फिर जब उन्होंने पास जाने पे गाड़ी रुकी तो वहाँ कोई नहीं था, वो महिला वहाँ से गायब हो चुकी थी। कुछ ऐसा ही एक किस्सा अब्बास नाम के यूज़र ने भी शेयर किया है। उन्होंने बताया कि जब वो उनके पुराने घर में रहते थे तब वहाँ एक दिन जब वो अकेले घर पर थे तब उनके कमरे से अचानक उन्हें अजीब आवाज़ आई जिसको उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया, पर कुछ ही देर में कमरे का दरवाज़ा काफ़ी ज़ोर से खुद से ही बंद हुआ, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा डरे और घर से बाहर आ गए। अब्बास ने बताया कि अब उन्होंने वो घर छोड़ दिया है और वो नए घर में रहते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कोई डरावना किस्सा घटा हो तो कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूँगा उसे अगले वीडियो में ऐड करने की। विटनी नाम की महिला ने उनके टिकटॉक अकाउंट के ज़रिए हाल ही में उनके साथ घटे कुछ रोंगटे खड़े कर देने वाले इंसिडेंट्स शेयर किए हैं। दरअसल विटनी के पास घोड़े का तबेला है और वो उन्हीं के साथ उनके फार्म हाउस में रहती है। वही उनके साथ पिछले कुछ टाइम से अजीब एक्टिविटीज़ होने लगी है, जिसे काफ़ी बार उन्होंने नोटिस किया कि उनके घोड़े अचानक अजीब बर्ताव करने लगते, मानो उन्हें किसी चीज़ से डर लग रहा हो। पर एक दिन कुछ ही बहुत डरावना घटा। वो उनके घर में थी तभी उन्हें काफ़ी तेज़ आवाज़ आने लगी। दरअसल आवाज़ तबेले से आ रही थी। तब उन्होंने वहाँ जाके देखा तो उनके साथ क्या घटा आप ही देखिए। वहाँ रेडियो अपने आप चल रहा था, साथ ही उन्हें मानो किसी ने आवाज़ भी दी और दरवाज़ा खटखटाने की भी आवाज़ आई। जाहिर है कि ये काफ़ी डरावना है, पर यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। एक दिन जब वो उनके घोड़ों को बाहर चराने लेके गई थी तब वो अचानक अजीब बर्ताव करने लगे, मानो वहाँ कुछ ऐसा हो जो उन्हें डरा रहा हो। उसके बाद क्या घटा आप ही देखिए। What the fuck? You better get him going then. Let's go! Pacey! What the fuck are you guys staring at? I'm gonna be stuck here by myself. Well, okay then. अगर आप ध्यान दें तो वीडियो के एंड में हमें मानो किसी के गाना गुनगुनाने की आवाज़ आती है, पर आसपास कोई नहीं दिखता। विटनी को भी वो आवाज़ आ रही थी, पर उसे समझ नहीं आया कि आखिर क्या हो रहा है। खैर यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। इसके बाद भी एक दिन अचानक कुछ डरा देने वाला इंसिडेंट घटा। What the fuck? Nope. Fucking okay. What the fuck?
रात को एक अजीब फिगर उनके फार्म में मंडराती हुई दिखाई पड़ती है। साथ ही उनके तबेले में मानो किसी के सीटी बजाते हुए भी आवाज आती है। अब जाहिर है कि ये वीडियोस काफी ज्यादा डरा देने वाले हैं। बाकी आपको क्या लगता है, आखिर उनके फार्म में क्या हो रहा होगा? क्या सच में वो फार्म हॉन्टेड होगा या फिर नहीं? आपकी राय कॉमेंट करना। तो ये थे आज के कुछ डरावने वीडियोस। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आए होंगे, और मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।